श्री शिवाय नमस्तु। कि शंकर पर जल चढ़ाने का क्या लाभ है? शिव महापुराण कहती है अगर एक दिन, शिव महापुराण की कथा कहती है सोमवार के दिन भगवान को अगर लोटा भरकर शिव को समर्पित करा जाता है तो घर में तेज लक्ष्मी प्राप्त होती है। पूरी दुनिया में केवल एक बेलपत्र का वृक्ष कैसा होता है जिस वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी शाम के समय पर गुआरी लगाने के लिए जाती है, झाड़ू लगाने के लिए, बेलपत्री के पेड़ पर। बेलपत्र का वृक्ष जिसके यहाँ लक्ष्मी नहीं दिखती हो, पैसा घर में नहीं आता हो, बहुत चिंता लगी रहती हो, लक्ष्मी से जुड़ी हुई, व्यापार से जुड़ी हुई, पैसा आई नहीं गया, बहुत मेहनत कर रहे हो, सोमवार की सोमवार, पांच सोमवार बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक घी का दिया लगाना चालू कर दीजिए। शाम के साथ थोड़ी सी मिट्टी बेलपत्री के पेड़ के नीचे की उठा कर लिया, घर के अंदर लाकर इतनी सी मिट्टी लाकर पटक दीजिए। पांच सोमवार करके देखो, छठे सोमवार को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, व्यापार अपना बढ़ना चालू हो जाएगा। लक्ष्मी शाम के समय पर प्रतिदिन प्रतिदिन बेलपत्र के पेड़ के नीचे बुआरी लगाने लगा। अगर तेरे घर में लक्ष्मी नहीं आ रही हो तो कमल गट्टे को पानी में डाल, शिवजी को चढ़ा कर। कमल का फूल बाजार में मिल रहा हो, जब तक कमल का पुष्प बाजार में मिले तब तक एक कमल का पुष्प सोमवार की सोमवार शंकर को चढ़ाना चालू कर दे। सोमवार को नहीं चढ़ाए तो प्रदोष को चढ़ा, और शंकर की भक्ति कर। और कमल का फूल ना मिले तो कमल गट्टा पानी में डाल, उस पानी को शंकर पर चढ़ा और चढ़ा ये, क्योंकि शिव की चरणों में रहने के लिए माता ख्याति ने लक्ष्मी देना चाहिए और लक्ष्मी जी को भगवान शंकर ने नारायण को दे दिया। अगर वही कमल के पुष्प पर लक्ष्मी का निवास होता है, इसलिए दीपावली पर कमल का फूल शिव जी को भगवान माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। कमल का पुष्प मेरे भगवान विष्णु ने शंकर भगवान को सावन के महीने में 108 दिए थे। वो पुष्प का फल इतना मिला कि भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र मिल गया था। सुदर्शन चक्र किसका था? भगवान शंकर का। वो चक्र भगवान विष्णु को दिया, ले लो तुमने कमल के फूल चढ़ाए 108, ये कमल का पुष्प चढ़ाने का फल ये कि अपना सुदर्शन चक्र तुमको देता हूं, दुष्टों का संहार करना ये आपको देता हूं। भगवान विष्णु सुदर्शन चक्रधारी हो गए। केवल कमल का पुष्प चढ़ने से भगवान नारायण को लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है, इसलिए लक्ष्मी जी की प्रियता कमल का पुष्प है। वो कमल के पुष्प का जल, कमल का जल या कमल कट्टे का जल शंकर पर आप प्रदोष की प्रदोष। सोमवार की सोमवार नहीं आ रही ना लक्ष्मी, पैसा नहीं आ रहा, अब आपने सब दूर माथा टेक लिया, चढ़ाना चालू करो। एक कमल गट्टा पानी में डालो, उस पानी को शिव जी को चढ़ाओ, चढ़ाइए, मिल जाए कमल का फूल। जब तक मिल रहा है कमल का पुष्प मिले, मंगवा लिया, चढ़ा दिया सोमवार की सोमवार, तो चढ़ाओ, शिव की आराधना करो, शंकर की भक्ति करो, और एक दड़ती से करो। के बोलिए बटकेश्वर महा। एक बात याद रखो, कोई बच्चे पढ़ाई कर रहे हो और उनका चित्त, उनकी वृत्ति, उनका मन पढ़ने में नहीं लग रहा, गलत जगह पर बच्चों का चित्त जा रहा हो, कोई व्यसन में, कोई घूमने में फिरने में, दोस्त यारों में, तो बड़ के पेड़ के नीचे, बड़ के पत्ते के ऊपर शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करें, बालू रेत का शिवलिंग बनाए, उसकी पूजन करें, और पूजन करने के बाद उसी बड़ के पत्ते पर रखे हुए शंकर भगवान को पूजन आदि करने के बाद नदी में विसर्जन कर दे। उस बड़ के पत्ते को लेकर आ जाए जहां पर बालक सोता हो, जो गलत संगत में पड़ रहा हो, या गलत जगह जा रहा हो, या चिड़चिड़ प्रवृत्ति में हो, उसके पलंग के सिराने में उस पत्ते को एक महीने के लिए रख दीजिए। बच्चा गलत संगत से छूट जाएगा, उसकी चित्त वृत्ति वापस विद्यार्थी और अर्जुन होने में लग जाएगी। बटकेश्वर महादेव का इतना प्रमाण हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं महाराज। बटकेश्वर जिनका अदालत में कोई काम चल रहा हो, प्रशासनिक कोई कार्य और नहीं हो रहा हो, तो बटकेश्वर महादेव की पूजन बड़ के पेड़ के नीचे बालू रेत का शिवलिंग बनाए, बिना पत्ते पर, केवल भूमि पर उसकी पूजन करें, दही चढ़ाएं, चढ़े हुए दही को घर में लेकर आएं, शंकर भगवान का विसर्जन करने के बाद में चढ़े हुए दही को घर पर लेकर आएं, उसका हाथ से एक रुमाल पर छापा लगा लें। अदालत में जब भी आप जाएं, प्रशासनिक कार्य के लिए कभी भी जाएं, उस रुमाल को जेब में रखकर लेकर जाएं, आपका कार्य सफल होगा। बटकेश्वर महादेव का इतना प्रभाव, बटकेश्वर महादेव का पूजन अर्चना स्मरण जीव को सुख प्रदान, भगवान शंकर को आनंद की अनुभूति। भगवान बटकेश्वर महादेव, ये वही बटकेश्वर महादेव का प्रमाण वर्णित किया कहते हैं। अगर हमारी दुकान नहीं चलती है, धंधा पानी नहीं चलता, व्यापार नहीं चलता, तो उसके लिए बटकेश्वर महादेव का पूजन किया जाता है। सही व्यापार ना हो, लक्ष्मी कमा नहीं रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हैं, फल एक रुपया नहीं मिल रहा, अथक प्रयास किया जाए और अगर फल नहीं है तो बटकेश्वर महादेव का पूजन करें। उसके लिए भी कहा, पर उसके लिए हमारे यहाँ वर्णन किया गया, बड़ के पत्ते के ऊपर पीपल का पत्ता रखना पड़ता है, और पीपल के पत्ते के ऊपर फिर खाकर का पत्ता, इन तीनों को रखकर
बालू का शिवलिंग बनाकर केसर में चंदन घोलकर बटकेश्वर महादेव का अभिषेक करते हैं पानी में घोल, और शिव को चढ़ाकर उसी केसर चंदन का जल और पांच पत्तों में तीन पत्ते जो आपने रखे उसमें से कोई भी एक पत्ता ले जाकर व्यापार वाले स्थान पर उसको रख दीजिए, उसी चंदन में, उसी केसर चंदन में मिला होगा वो पत्ता चिपका होगा आपको। केवल आपने आज रखा, आपको कल से अंतर मालूम पड़ जाएगा व्यापार कैसा बढ़ता है, अपने आप उसमें सुख का अनुभव होता है, आप अपने आप उसमें सुख की अनुभूति होती है, फल की प्राप्ति होती है। कई लोग कहते हैं महाराज जी शिवलिंग क्या घर में रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। कहते हैं जितना घर में रोग बीमारी दुख तकलीफ जो आती है, सबसे पहले अगर वो प्रमाणिकता में प्रवेश करती है तो दो जगह पर उस रोग बीमारी को झेला जाता है, एक घर के दरवाजे पर तुलसी के क्यारे पर, और दूसरा घर में जो शिवलिंग होता है उसके ऊपर। ये दो जगह पर रोग बीमारी झेली जाती है, दो जगह पर इसकी बढ़ाई, इसकी रोग बीमारी दुख दर्द इसको वहां झेला जाता है। प्रभाव की सेवा आनंद से करें, शिवलिंग कभी भी खोला ना रखिए। घर में अगर शंकर जी का शिवलिंग है तो नंदी रखना जरूरी नहीं है, शिवलिंग को कभी भी तुलसी के क्यारे में ना रखें, इसका ध्यान रखें। अगर बेलपत्र हो तो शिव जी को चढ़ाए, नहीं हो तो आसपास बगीचे में जितनी भी पत्तियां पड़ी हो, पेड़ पौधे लगे हों, उनकी पत्तियां तोड़ तोड़ के भगवान को चढ़ा, उनकी पत्तियां शिव जी को चढ़ा स्वीकार। भगवान शंकर पे चढ़ा हुआ जल, शिव जी को समर्पित जल कभी भी तुलसी के क्यारे में ना डालना, इससे काल सब दोष होता है।